हरदरा सेवा फाउंडेशन ने दिव्यांग लावारिस व अन्य मरीजों के साथ मनाया दीपावली। बता दें कि अरदरा सेवा फाउंडेशन जब से स्थापन हुआ है तब से आए दिन सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार दीपावली के शुभ अवसर पर चेंबूर स्थित बीएमसी द्वारा अनुदानित दीनदयाल योजना अंतर्गत चलने वाले ग्रेस फाउंडेशन में जाकर दिव्यांग लावारिस व अन्य मरीजों को नए कपड़े व मिठाई देकर उनके साथ हंसते हंसाते व खेलते हुए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का संदेश देते हुए दीपावली त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अरदरा सेवा फाउंडेशन टीम के रमेश मंदारम, हरिकृष्णा बोगा, रमेश चौहान, ऋषिकेश बायडे, योगेश निमाने, श्रीनिवास शेट्टी, आनंद अदाते, तनिषा बोगा, सोनल बंदारम, बेबी आरोही, बेबी राध्या, आरव, मोहनलाल रजक, सुधीर पाय, हर्षल पंचाल, अरदरा सेवा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सहयोग करने वाले महेश अडगटला, कुमरैया मंदवराज, गणेश आड़ेप, सुब्रमण्यम श्रीरामलु, धीरमलु शुद्धाला, दुर्गेश और उमेश गुप्ता, प्रभाकर शिरपुरम, इन सभी लोगों को ग्रेस फाउंडेशन के शंकर मुगलकेड, वैलेंटाइन फर्नांडिस, एका कुमोदिनी, सागर सुबेदी, दनिश खान, गुरु जेटली, सचिन अरुण ने मिलकर सभी को धन्यवाद का व्यक्त किया है। अच्छी बात है कि आज दीपावली है और कल शायद या परसों नया साल हो, तो इसमें जो ये कपड़े सबको मिले हैं वो सब अच्छी बात है। आई विल थैंकफुल फॉर अरदरा फाउंडेशन फॉर गिफ्ट गिविंग एंड फॉर द दिवाली, हैप्पी दिवाली। आई विल वेरी, हम आभारी हैं फाउंडेशन के जिन्होंने ये भेंट प्रदान की। थैंक अरदरा फाउंडेशन फ्रॉम हियर एंड ड्यू टू ऑल द प्रेजेंटेड एंड द प्रेजेंट। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? कपड़े दिए और क्या दिए? स्वीट। अच्छा, पेशेंट कैसे थे? पेशेंट्स कैसे थे? बीमार थे। बीमार थे तो उनको आपके हाथों से दिया, तो उनको कैसे लगा? अच्छा। और क्या क्या किए वो लोगों ने, पेशेंट लोगों ने वगैरह? अच्छा, कुछ कहना चाहते हो उनके लिए या दूसरे लोगों के लिए? नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं तनिष्का बात कर रही हूँ अरदरा फाउंडेशन से ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेस फाउंडेशन, जहाँ पे हम आए थे। ये एक्सपीरियंस एक लाइक अलग ही एक्सपीरियंस जो एक हर एक इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक इच्छा होना चाहिए कि हम ऐसे करें। लाइक जिसके सीनियर सिटीजन है, ऑर्फन एजेस है, हर दिवाली हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बट आज हम सोचे कि बहुत हमें मतलब हमें दिल में एक इच्छा है कि हमें सोशल वर्किंग करना है, ऑर्फन एज लाइक सीनियर सिटीजन उनको हेल्प करना है। तो हम आए यहाँ पे देखे एक एक पेशेंट्स के कंडीशंस, मतलब आप देखोगे ना जो हम भगवान ने हमको दिया है वो रखा है, हम ब्लेस्ड है और हम इतने हैप्पी। तो ऐसे लोगों को जो तरी तरी की एक एक से एक एक बीमारियां उनको आप देखो, तो मतलब देखने से आपको लगेगा कि दिल से कि हमें इनको कुछ करना चाहिए, इनके लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो हमने ऐसे ये सोच के एक उनको जैसे कि दिवाली के मौके पे हमने कपड़ा दिया, उनको कुछ स्वीट्स दिए और वो देखते हुए उनके चेहरे में जो आनंद और उत्साह, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि लाइक कोई तो उनके घर वाले आके उनके साथ दिवाली मना रहे, ऐसे लगा उनको। लास्ट वीक हमें और मेरा ट्रस्टी के टीम ने ग्रीस फाउंडेशन के यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर देख के जो शंकर जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लाइक जो रोड साइड पे जिसका कोई नहीं है उनको लेके आके उनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो चीजें करना है, फूड से लेके मेडिटेशन से लेके मेडिकल से लेके सब कुछ वही कर रहे थे। वो देख के हम लोग थोड़ा भावुक हो गए थे, तो हमने सोचा एक दिवाली अवसर पर हम कुछ ऐसा चीज, एवरी ईयर तो हम फैमिली के साथ तो दिवाली मनाते हैं, तो इनका कोई फैमिली नहीं है, कोई मेंबर ऑफ कोई साथ देने वाले कोई नहीं है, तो हमने सोचा था ये दिवाली और अच्छा बनाने के लिए तो हमने यहाँ पर आके हमारे तरफ से स्वीट्स कपड़े, ये दिवाली उनको एक अच्छा दिवाली होना चाहिए करके हम लोगों ने हमारा आरोग्य सेवा फाउंडेशन के तरफ से हमने ये छोटा सा
अच्छा, तो मेरा नाम सुधीर पाई है और मैं आर्द्रा फाउंडेशन के साथ एज अ मेंटोर कंसल्टेंट जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर जो देखा ग्रेस फाउंडेशन में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है लोग, जो बेगर रिहेबिलिटेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो जिनको गार्बेज के डस्टबिन में डाला था, वो उनको हेल्प करके अभी वो बड़े बन चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इनके साथ दिवाली मना रहे हैं। ओके, और उनके चेहरे पे जो खुशी देखा उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे चल के आर्द्रा सेवा फाउंडेशन, ये और भी ग्रेस फाउंडेशन जैसे और भी अलग अलग संस्था और अलग अलग जगह पे पहुंच कर, ओके, वी विल ट्राई टू हेल्प देम, गिव देम सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच, और आपका भी सपोर्ट बना रहे, थैंक यू। बोलता मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि उन लोग आए इस जगह पे, और रियल बोलता दिवाली ऐसे लोगों के लिए जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, और वो अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे संस्थे के साथ इधर आके उन्हें सेलिब्रेट कर रहे और बहुत से लोगों को कपड़े उपड़े दे रहे। और जो फाउंडेशन है उसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ ग्रेस फाउंडेशन के तरफ से। और मेरी ये इच्छा है कि नया साल भारत देश और पूरे विश्व के लिए आशीष के साल रहे और ब्लेसिंग। और जो टीम आई हमारे पास, जो भाई लोग आए, उनका भी मिनिस्ट्री और आगे बढ़े और ब्लेसिंग करे, ये नया साल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका फाउंडेशन कौन सा है और इसमें कितने पेशेंट है और कैसे लोग पेशेंट किस तरह आते हैं, इसका बताओ। ग्रेस फाउंडेशन है और ये माहौल में चेंबूर के अंदर है सर। और ये जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जो मेंटली रहते हैं, वो पेशेंटों को हम लोग इधर लेके आते हैं। कीड़े पड़े रहते हैं उन लोगों को लेके आते, उनका उपचार करते हैं। और जो मेंटल रहते हैं उनका उपचार करके उनके परिवार तक हम खोज करते हैं, फैमिली में या दिल्ली हो या अलग अलग स्टेट में, उनको उनके फैमिली तक हम लोग छोड़ते फर्स्ट ऐसा रखते हैं। उसके बाद जिनका नहीं है और उनको मदर टेरेसा आश्रम और बहुत से ऐसे श्रद्धा फाउंडेशन, अलग अलग फाउंडेशन में जो हमारे अच्छे मित्र है उन लोगों के पास हम लोग बोलते ये जो लाइफ टाइम तक उनको उधर रखते हैं। आज आया था कौन से फाउंडेशन के माध्यम से और क्या क्या किया उसका बारे? आज आद्रा फाउंडेशन के तरफ से इधर आए इन लोग और सब पेशेंटों को स्वीट लेके आए, कपड़े लेके आए, पैंट लेके आए और अच्छे इंजॉयमेंट करे और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो गया उन लोगों के साथ में। और एक हैप्पी नया साल उनके लिए हैप्पी जावे करके उन लोग आके आद्रा फाउंडेशन आया, उसके लिए मैं बहुत कोटी कोटी धन्यवाद देता हूँ उनका। और उनका संस्था और बढ़े और अच्छे अच्छे काम करे। थैंक यू।